नमस्कार दोस्तों इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पी जी सी आई एल एन आर वन का पेपर जो तेरह अगस्त को हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट इस होने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कंपेयर टू द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज इन करेक्ट तो ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं इन पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो सही हैं और कौन से ऐसे गलत हैं तो वो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है तो चलिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम देख लेते हैं यहाँ पर आर एस यदि आपका इनपुट है और सी एस आपका आउटपुट है तो यहाँ पर आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो होगा सी एस डिवाइडेड बाय आर एस वहीं यदि हम एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर लेकर चलें तो यहाँ ये यह आपका समिंग पॉइंट है यहाँ आपका फॉरवर्ड पाथ गैन जी एस लेकर चल रहे हैं और रिवर्स में एक फीडबैक आपका लगाया हुआ है जिसका गैन है एच एस यहाँ ये नेगेटिव फीडबैक है क्योंकि हमने यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेट किया हुआ है आर एस यहाँ पर इनपुट है और यहाँ पर सी एस आपका आउटपुट है तो यहाँ ट्रांसफर फंक्शन जो आपका होगा वो हो होगा जी एस डिवाइडेड बाय वन प्लस जी एस इंटू एच एस यहाँ आप गेन देखेंगे तो यहाँ नीचे एक टर्म ऐड हुई है जी एस एच एस इसकी वजह से आपका जो गेन है वो रिड्यूस हुआ है और यहाँ यदि आप देखेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आपका गेन आपकी फ़ीडबैक पर अफेक्ट नहीं होता है तो पहला पॉइंट हम देखते हैं द फीडबैक रिड्यूस इज़ द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम तो ये पॉइंट सही है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं दूसरा पॉइंट देखते हैं द चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आर करेक्टेड ऑटोमेटिकली सो दे आर लेस सेंसटिव टू द नॉइस एंड अदर डि डिस्टर्बेंस तो नेगेटिव फीडबैक में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फीडबैक आपने जोड़ के रखा है एच एस जिसकी वजह से आप आउटपुट को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली ये आपका नॉइस को रिड्यूस कर देता है और उससे अफेक्टेड नहीं होता है तो ये इसका एक और एडवांटेज रहता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में तो हमारा सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पर सही है तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें स्टेबिलिटी इज़ नॉट ए मेजर प्रॉब्लम एंड लेस केयर इज़ नीडेड टू डिज़ाइन अ स्टेबल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यहाँ ये कंट्रोल सिस्टम की आपसे बात करी गई है यहाँ ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आपकी स्टेबिलिटी भी आपको देखनी होती है जब आप इसको डिज़ाइन करते हैं इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत है या इसको हम इनकरेक्ट भी बोल सकते हैं और स्टेबिलिटी के बारे में जब इन्होंने पूछा है तो हमारा जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वो लेस स्टेबल रहता है और हमारा जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है ये स्टेबल होता है ये लेस स्टेबल होता है और भी इनके डिफरेंस की यदि हम बात करें तो डिस्टरबेंस से ये अफेक्टेड होगा ये जबकि हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम डिस्टरबेंस से अफेक्टेड नहीं होगा इसका हम यदि एग्जाम्पल की बात करें तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन हमारी इस्तेमाल होती हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं और टी वी रिमोट हो गया और हमारे क्लोज़ लूप कंट्रोल सिस्टम में हम रेफ्रिजरेटर का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं तो ये कुछ पॉइंट थे और आपके एक्यूरेट और रिलायबिलिटी के बारे में भी कुछ पॉइंट यहाँ देख लेते हैं इसका जो रिस्पांस होता है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का रिस्पांस स्लो होता है ये एक मेजर डिफरेंस होता है ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं जो पॉइंट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ और एक और जो इनकी एक्यूरेसी के बारे में होता है ये लेस एक्यूरेट होता है जबकि हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एक्यूरेट होता है तो ये कुछ पॉइंट थे और तो हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो मोर एक्यूरेट होता है और रिलायबल भी होता है एज़ कम्पेयर टू द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो एमपियर आवर मीटर इज़ एन एम आवर मीटर आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है तो एमपियर आवर मीटर जो है आपका ये रिकॉर्डिंग uh, इंस्ट्रूमेंट है या कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है तो ये एम्पियर आवर मीटर आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो दोस्तों होते हैं ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये कुछ क्वान्टिटी मेजर करते हैं और उसका रिकॉर्ड कंपाइल करके आपको उसका रिजल्ट होकर आते हैं तो जैसे एम्पियर आवर मीटर जो है हमारा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये एनर्जी कंज्यूम आपका देख रहा है तो ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के और भी एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो हमारा बॉट मीटर एनर्जी मीटर ये सभी भी एग्जाम्पल जो होते हैं वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के होते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा इंडिकेटिंग में आपका वोल्ट मीटर अमीटर और बॉटमीटर, मीटर स्पीडोमीटर इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम जाएँ तो वाट ओवर मीटर कैन वी प्रोड्यूस्ड यूजिंग तो हमारा जो बॉट आवर मीटर रहता है ये हमारा किस प्रिंसिपल पर वे होता है तो केमिकल अफेक्ट है या हीटिंग अफेक्ट है इंडक्शन अफेक्ट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अफेक्ट है तो हमारा जो वाट ओवर मीटर रहता है वो दोस्तों इंडक्शन अफेक्ट पर काम करता है और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ये लगातार पूछे जाते हैं कि आ, कौन सा इक्विपमेंट किस इफेक्ट पर वेस्ट होता है तो आपका केमिकल जो अफेक्ट होता है केमिकल एफेक्ट में आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो जो इस पर वेस्ट होता है वो है एम्पियर आवर मीटर इन क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं केमिकल अफेक्ट जो होता है वो एम्पियर आवर में इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अफेक्ट जो होता है वो हमारा वोल्ट मीटर बनाने में इस्तेमाल होता है ये हमारा डी एंड ए सी करेंट को मेजर करने के लिए होता है एम्पियर आवर मीटर जो होता है हमारा केवल डी सी ओनली के लिए इस्तेमाल होता है इंडक्शन अफेक्ट के इंडक्शन uh, अफेक्ट जो होता है उस पर हमारे वोल्ट मीटर और बॉट मीटर एनर्जी मीटर ये सभी जो बेस्ड होते हैं वो इसके बेस्ट पर होते हैं यानी यहाँ पर आप डाल सकते हैं वोल्ट मीटर बॉट मीटर और एनर्जी मीटर ये सभी इंडक्शन इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं और और भी बहुत सारे हमारे थर्मल इफेक्ट पर हमारा या हीटिंग इफ़ेक्ट पर भी अमीटर बोल्ट मीटर होते हैं और ये जो मेज़र करते हैं वो डीसी एंड एसी दोनों रहते हैं यानी ये डीसी एंड एसी दोनों के लिए इस्तेमाल होगा तो ये कुछ क्वेश्चन uh, थे जो हमारे लगातार पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक uh, अफेक्ट के ऊपर भी एक इंस्ट्रूमेंट को हम डिजाइन कर सकते हैं अमीटर होता है और वो ए करंट के लिए इस्तेमाल होता है ए करंट मेजर करता है तो ये वॉट वॉट आवर मीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ही हम बात करें तो द इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस ई एम एफ इन वन क्वाइल ड्यू टू यूनिट रेट चेंज ऑफ करेंट इन अदर क्वाइल, यानी एक क्वाइल में इंड्यूस जो ई एम एफ है वो अफेक्ट हो रहा है आपके एक पर्टिकुलर कॉइल में करंट चेंज करने पर यहाँ पर आपकी जो सेकेंड कॉइल है इसमें जो ईएमएफ e जनरेट हो रहा है वो आपकी प्राइमरी क्वाइल के करंट के ऊपर वेस्ट हो रहा है इसमें जो कॉफिशेंट होता है जिसे हम नॉर्मली इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी फाइव बाई डी टी यहां पर जो कॉफिशियंट होता है phi इक्वल टू होता है एम इन टू आई एम यहां जो होता है वो होता है कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन तो ये हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड पॉइंट कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और कॉफिशियंट ऑफ कपलिंग की यदि हम बात करें तो हमारा प्राइमरी का जो फ्लक्स है प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी से कितना लिंक हो रहा है यहाँ आपका ये जो फ्लक्स है, प्राइमरी का कुछ लीकेज फ्लक्स भी होगा जो हमारी सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं होगा और ये जो फ्लक्स होगा जो यहाँ सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो रहा है तो इसका जो रिलेशन रहता है उस पर कॉफिशेंट डिसाइड होते हैं आपका कि k इक्वल टू वन होगा या k इक्वल टू लेस देन वन होगा हमारा जो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू के रूट के अंदर एल वन इंटू एल टू दोनों का इंडक्टेंस और यहाँ पर जो k रहता है यहाँ पर k इक्वल टू वन यानी आपका पूरा का पूरा फ्लक्स कॉइल नंबर वन का कॉइल नंबर टू के साथ लिंक हो रहा है तब वहाँ पर कॉफिशेंट ऑफ कपलिंग जो होगा वो वन होगा तो ऐसे कुछ कपलिंग की ये जो कॉफिशेंट होते हैं इनके बारे में थोड़ा जानकारी लें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ें तो हमारा क्वेश्चन है ये 40 ओम रजिस्टर इज इन पैरेलल विथ 80 ओम रजिस्टर एक 40 ओम का रजिस्टर है ये हमारा 80 ओम के रजिस्टर के साथ पैरेलली कनेक्टेड है नेक्स्ट लाइन हम बड़े करंट इन द 40 ओम रजिस्टर इज 6 एम्पियर जो 40 ओम का रजिस्टर है इसमें जो करंट है वो 6 एम्पियर है हाउ यू हाउ विल यू एड अ थर्ड रजिस्टर व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इफ़ द लाइन करंट इज़ टू बी 100 एम्पियर यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक और रजिस्टेंस आपने पेडलन में कनेक्ट किया तो यहाँ पर जो लाइन करेंट होगा वो आपका दिया हुआ है 10 एम्पियर तो यहाँ पर कितनी रेटिंग का आपने रजिस्टेंस यहाँ पर ऐड किया है जिसकी वजह से आपका लाइन करेंट 10 एम्पियर हो गया है ये क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं यहाँ से आप वोल्टेज निकाल लीजिए 6 इंटू फोर्टी यानी 240 आपका वोल्ट यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज होगा 240 फोर्टी यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज है ये वोल्टेज मिल गया यहाँ पर जो टोटल करंट आपको गया हुआ है वो है टेन एम पीयर सिक्स एम यहाँ पर चला गया है और यहाँ की करंट को भी हम देख लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर वोल्टेज इन दोनों एंड पर कितना दिया हुआ है टू तो यहाँ पर जो करेंट होगा आइए उसको हम निकाल सकते हैं टू डिवाइडेड बाई एट्टी यानी ये आपका जो करंट होगा वो कितना होगा थ्री एम पीयर यहाँ से जो करंट होगा वो होगा थ्री एम थ्री एमपियर आई एल को यदि अब आपको यहाँ पर जो अन्योन रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस आपको करंट यहाँ से मिल गया वो करंट कितना होगा आई एल आपको टोटल दिया हुआ है टेन एमपियर और टेन एम्पियर जो समेसन होगा वो तीनों इन करंट का होगा यानी आई वन आई टू आई थ्री आई वन आई टू आपको निकाल ही लिए हैं आपने सिक्स प्लस थ्री प्लस ये आई थ्री आपको करंट यहाँ पर निकालना है और टेन एम्पियर आपको दिया हुआ तो आई थ्री आपका कितना हो जाएगा वन एम्पियर यहाँ से निकल कर आएगा आई आई थ्री आपको पता चल गया ये वन एम्पियर है इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है आपको वो है टू फोर्टी तो यहाँ पर आप इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं विकल टू आई आर और आई आपको वन दिया है वोल्टेज आपको टू फोर्टी है तो यहाँ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी निकल कर आएगी पैरेलल में ही होगा टू फोर्टी तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम जाएं तो हमारा सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है टिपिकल वैल्यू ऑफ लीकेज फैक्टर आर अप्रॉक्सीमेटली लीकेज फैक्टर की हमसे क्वेश्चन uh, में पूछा हुआ है कि लीकेज फैक्टर की वैल्यू किस किस रेंज में वेरी करेगी लीकेज फैक्टर दोस्तों होता क्या है कि आपका जैसा हमने क्वाइल का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया कि आपके पास दो कॉयल हैं इसका एक कुछ फ्लक्स यहाँ पर सेकेंडरी से लिंक हो रहा है और कुछ यहाँ पर लीकेज हो रहा है तो जो यहाँ पर प्रॉपर लिंक हो रहा है यहाँ इस क्वॉल से कितना फ्लक्स जनरेट हुआ यानी यहाँ से हमने देखा कि टोटल फ्लक्स हमारा जो जनरेट हुआ है यानी फाइव ए वो हमारा समीसन होगा किस किसके फाइव जी प्लस फाइ एल एल यहाँ पर लीकेज फ्लक्स है 5G जी यहाँ पर यूज़फुल फ्लक्स है यूजफुल फ्लक्स है तो यहाँ पर आपका जो लीकेज फैक्टर होता है जैसे हम लेमडा से डिनोट करें तो लीकेज फैक्टर आपका रेशियो होगा फाइव ए डिवाइडेड बाय फाइव जी यानी लीकेज फैक्टर आपका रेशियो होता है टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स तो ये भी आपके लिए एक एग्जाम के लिए आप इसको नोट करके रख सकते हैं ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है एग्जामों में कि लीकेज फैक्टर आपका किस किस का रेशियो होता है और इसकी जो रेंज होती है दोस्तों ये 1.12 से वेरी होती है 1.25 पॉइंट अब ये रेशियो आप कैसे देख सकते हैं कि आपका जो टोटल फ्लक्स है वो फाइव है तो टोटल फ्लक्स तो इससे ज़्यादा ही होगा वो फाइव जी यहाँ पर यूज़फुल फ्लक्स है तो यूज़फुल फ्लक्स से आपका टोटल फ्लक्स से कम ही होगा क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर जितना फ्लक्स जनरेट हुआ था उसमें से कुछ लीकेज भी हो गया है कुछ जो हमारे लिंक नहीं हुआ तो ऐसे फ्लक्स को हमने लीकेज फ्लक्स बोल दिया तो ये रेशियो जो होगा वो एक से ज़्यादा ही होगा और जिस जो होगा 1.12 से वन टू फाइव काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका कंसेप्ट भी से काफ़ी, काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द टनल डायोड इज इनकरेक्ट टनल डायोड के क्वेश्चन दोस्तों लगातार पेपर में मैंने कई बार देखे हैं ये पूछे ही जाते हैं तो टनल डायोड से पहले बहुत सारे पॉइंट इससे निकल कर आते हैं सबसे पहले जो मैंने कई एग्जामों में देखा है टनल डायोड का सिंबल आपसे पूछा जाता है तो बहुत सारे डायोड के सिंबल आपसे पूछे जाते हैं सबसे पहले आपको डायोड के बारे में पता होना चाहिए डायोड एनोड एंड कैथोड होता है यहाँ पर यदि यह इस डायोड के साथ इस तरीके का सिम्बॉल आपको दिख रहा है तो ये लाइट एमेटिंग डायोड है और यहाँ ये यह यदि इस तरीके से आपका सिंबल बना हुआ है तो ये वेरेक्टर डायोड है टनल डायोड की यदि हम बात करें, तो उसका सिंबल आपको कुछ इस तरीके से सो होगा तो ये टनल डायोड हो गया तो ये तो हो गया आपके सिंबल से रिलेटेड दूसरा इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो दोस्तों नेगेटिव रेजिस्टेंस वाली होती है और वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है जब हम वोल्टेज और करंट के बीच में इसमें ड्रॉ करते हैं तो ये इसकी करेक्ट्रिस्टिक होती है और इसको हम टनल डायोड के जो पॉइंट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो काफ़ी बार लगातार ही एग्जामों में पूछे जाते हैं एक तो ये हाइली डोब्ड होता है हाईली डोब्ड पी एन होता है बोथ साइड दूसरा पॉइंट जो इसमें निकल कर आता है हाई चार्ज कैरियर वेलोसिटी होती है दूसरा है इसमें नैरो डिप्लेशन रीजन होता है ये कई बार दोस्तों आईएएस में भी ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये जब आप प्रीवियस ईयर इसके सॉल्व करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स सभी उसमें मिलेंगे क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं और हर एग्जाम में टनल डायोड से बहुत बार मैंने क्वेश्चन इसमें देखे हुए हैं तो ये नैरोिप्लेशन बिथ्थ रहती है बोथ साइड हैविली डोप्ड होता है ये तो कई बार रिपीटेड हैं ये दोनों क्वेश्चन और नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होती है नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है और मेडअप ऑफ गैलियम एंड गैलियम आर्सेनाइड डिप्लेशन लेयर जो विथ होती है इसकी वो हंड्रेड आर्म स्ट्रॉन्ग तक होती है और इट इज़ ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड वाइज यानी ये फॉरवर्ड वाइज में ही काम करता है तो ये आपके सात आठ पॉइंट हो गए यहाँ पर नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ये आपने इसका सिंबल देख लिया हाईली डोड पीएन जंक्शन होता है और इसकी जो विर्थ होती है डिप्लेशन रीजन की वो पीएन जंक्शन की कंपेरिजन में ज़्यादा होती है और नैरो डिप्लेशन विथ होती है और हाईली डोप्ड होता है हाईली डोप्ड होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया हंड्रेड एम स्ट्रॉन्ग तक इसकी डिप्लेशन uh, विथ होती है और फॉरवर्ड uh, वाइज में ये काम करता है अब हमारे जो क्वेश्चन की ओर हम बात कर लें तो यहाँ वी आई करेक्टेज शो द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन तो ये हमने देख लिया इम्प्योरिटी कंसनट्रेशन इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू द पी एन जंक्शन ये भी देख लिया आपने तो पी एन जंक्सन के कम्पेरिजन में इसकी इम्प्योरिटी जो कंसंट्रेशन है वो हाई रहती है कैरियर वेलोसिटी आर वेरी हाई ये भी पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिया कि वेलोसिटी भी हाई होती है ब्रिथ ऑफ डिप्लेशन रीजन इज़ हाई कंपेयर टू द पी एन ये यहाँ पर पॉइंट गलत है हमने यहाँ बात की है कि ये नैरोपलेशन बिर्थ होती है तो काफ़ी पतला यहाँ पर आ, बिर्थ हो जाता है इसका तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है तो आपका आंसर होगा चूँकि आपसे इनकरेक्ट पॉइंट्स के बारे में पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसफॉर्मर और मैकेनिकल गियर ड्राइव इज इनकरेक्ट तो पॉइंट देख लेते हैं ट्रांसफार्मर और मैकेनिकल गियर के बारे में आपसे पूछे हैं कि कौन सा पॉइंट इनसे रिलेटेड गलत है तो पहला पॉइंट देख लें पावर इज ट्रांसफॉर्म थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर तो ये सही है मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपकी कोर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है और आपकी दोनों को लिंक होती हैं तो ये पॉइंट सही है इन द मैकेनिकल गियर ड्राइव देयर इज़ परफेक्ट रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टीथ एंड स्पीड ऑफ द टू गियर तो ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है मैकेनिकल गियर जो होते हैं वो एक आपके दो जो कोई भी आपके या तो व्हील हो सकता है व्हील का एक्सेल हो सकता है यहाँ आपकी ट्रैक्शन मोटर हो सकती है और ये एक बेल्ट के थ्रू यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम मैकेनिकल गियर ड्राइव बोल सकते हैं और इस टाइप की जो ड्राइव होती हैं इसमें जो स्पीड होती है वो आपकी इसमें टीथ पर इसके डिपेंड होती है कि आपके इसमें टीथ कितने रखे हैं और इसमें टीथ कितने रखे हुए हैं तो ये रेशियो उनका डिपेंड होता है इसलिए ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है तीसरा पॉइंट हम बात करें मैकेनिकल गियर ड्राइव ट्रांसफर मैकेनिकल पावर पावर फ्रॉम वन ज्वाइंट टू अनदर ज्वाइंट तो एक जॉइंट से दूसरे ज्वाइंट पर ट्रांसफ़र नहीं होता ये एक बेल्ट के थ्रू जुड़े हुए होते हैं इसलिए यहां पर एक बेल्ट के थ्रू ही पावर का ट्रांसमिशन होता है तो ये यह पॉइंट यहां पर गलत है ट्रांसफर ट्रांसफार्मर ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू तो ये पॉइंट भी आपका यहां पर सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएं तो नाइन्थ क्वेश्चन है आपसे इज यूजली यूज इन आर ए पावर एम्पलीफायर एंड एमेर रेडियो तो ऐसा कौन सा एम्पलीफायर है जो आपका आर ए पावर एम्पलीफायर में इस्तेमाल होता है तो हमारा रेडियो पावर रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में हमारा लीनियर एम्पलीफायर इस्तेमाल होता है लीनियर एम्पलीफायर दोस्तों होते क्या हैं जैसे आपका कोई एम्पलीफायर है यहाँ आपने कोई इनपुट उसको इस फॉर्म में दिया आउटपुट भी आपको इसी फॉर्मेट में बस मैग्नीट्यूड के साथ चेंज में के साथ यदि आपको मिल रहा है तो ये आपका लीनियर एम्पलीफायर होता है जबकि नॉन लीनियर एम्पलीफायर की हम बात करें तो यहाँ आपने जैसे इनपुट यहाँ साइनो सड दिया और आपका आउटपुट जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में आपको दिखाई पड़ रहा है तो ये नॉन लीनियर एम्पलीफायर होते हैं नॉन लीनियर एम्पलीफायर की हम बात करें तो हमारे कंपेराटर और मल्टी वाइब्रेटर जो होते हैं मल्टी वाइब्रेटर सर्किट और कंप्रेटर सर्किट ये आपके नॉन लीनियर एम्पलीफायर होते हैं जबकि ये हमारे लीनियर एम्पलीफायर में इस्तेमाल होते हैं तो यहाँ पर जो आर या रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर एम रेडियो या एम uh, रेडियो एक सिग्नल ट्रांसफॉर्म के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं वो लीनियर एम्पलीफायर होते हैं तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था जो शायद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर छोड़ के आए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बात करें तो नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है इफ अ कंडक्टर इज मेड इन टू ए लूप एंड करेंट इज फास्ट थ्रू इट दैन द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन आर इन तो आपका कोई कंडक्टर है जिसको आपने यहाँ पर चेंज कर लिया एक क्वाइल के फॉर्मेट में या सर्कल के फॉर्मेट में तो अब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन किस तरीके से होंगी ये आपसे पूछा गया है तो जब भी आप कभी एक कंडक्टर है जिसमें कि करंट आई फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर को आपने इस तरीके से पकड़ के रखा हुआ है और इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो यहाँ आप देखेंगे कि आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो जनरेट होंगी वो इस कंडक्टर के चारों ओर एक सर्किल के फॉर्मेट में होंगी जो कि इस सर्किल के अक्रॉस इस तरीके से रोटेट होती रहेंगी ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है ये सर्कुलर फॉर्मेट में होंगी अब जैसे ही आपने इसको सर्किल में चेंज कर लिया तो यहाँ पर आपकी करंट की डायरेक्शन ये आपका दोस्तों यहाँ पर जो डायरेक्शन हम मैग्नेटिक लाइंस की देखते हैं वो हमारे राइट हैंड थंब रूल से हम देखते हैं कि आपका जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसमें हम यदि थंब को रखेंगे तो आपकी जो फिंगर होंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन यहाँ पर शो कर दिए हैं आपने इसको सर्कल फॉर्मेट में जब हमने इसको चेंज किया तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं और जब सर्किट में आप देखेंगे कि हमने सर्किल में चेंज करा तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन यदि हमने इस डायरेक्शन में रखी यानी क्लॉक डायरेक्शन में जब रखी तो राइट हैंड थम्ब रूल जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो आप थम्ब इसको इस डायरेक्शन में रखा तो मैग्नेटिक लाइन्स आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे तो ये इस लेंथ के अक्रॉस आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको रोटेट होती हुई दिखाई देंगे यानी हम इसको जब इंडिकेशन देंगे यहाँ पर तो ये इनबर्ड है और इस लाइन के अक्रॉस ये अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे ये निकलती हुई बाहर से दिखाई पड़ेंगे तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमारा जो निकल कर आता है कि यदि हमने एक बायर को सर्किल फॉर्मेट में चेंज कर दिया और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसके चारों के उसकी बायर के की लेंथ की अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या मैग्नेटिक लाइन्स होंगी वो सर्कुलर फॉर्मेट में होगी और ये एग्जैक्ट सर्कुलर फॉर्मेट में होंगी उस लाइन के अक्रॉस ना कि ये इस तरीके से नहीं होंगी कि आपका ऑर्थोगोनल हो या एसेंट्रिक सर्किल हो या कॉन्टेक्ट विद द लाइन हो तो आपकी यही पॉइंट यहाँ पर देख रही हुए देखने को मिल रहा है पहला पॉइंट है कॉन्टेक्ट विद द सर्किल ऑल अलॉन्ग इट्स लेंथ तो ऐसा यहाँ पर सर्किल से कि बिल्कुल ऐसा नज़दीक सर्किल नहीं बनेगा इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन का तो ये यह पॉइंट यहाँ पर गलत है दूसरा पॉइंट देखिए एसेंट्रिक सर्किल ऑल अलोंग इट्स लेंथ तो एसेंट्रिक सर्किल या ऑर्थोगल सर्किल जो होते हैं वो हमारे या तो ये इस टाइप से हो गया या इसी के अंदर एक सर्किल हो गया तो ये ये ना तो ऑर्थोगोनल है ना इसेंट्रिक सर्किल फॉर्मेट में भी ये हमारी लाइंस नहीं है हमारा तो केवल जो आंसर होगा वो हमारा सर्कुलर होगा जो एग्जैक्ट इस लाइन के दोनों तरफ होगा तो हमारा कॉन्सेंट्रेट सर्किल ऑल अलोंग इट्स लेंथ ये पॉइंट यहाँ पर सही होगा तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जो आपके यदि कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इसको कर सकते थे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएँ विच ऑफ़ द फॉलोइंग सिग्नल आर द कंटिन्यूस एंड कैन वेरी इन द वाइड रेंज ऑफ वैल्यू हमारे डिफरेंट टाइप के सिग्नल आपको दिए हुए हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों इसको लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं डोमेन सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल और डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल डिफरेंट टाइप के सिग्नल आपको दिए हुए हैं डोमेन सिग्नल हमारे जो होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये स्पेसिफाई होते हैं इस पीरियड में ही ये सिग्नल आपके डिफाइन होते हैं डिस्क्रीट सिग्नल की हम बात करें तो हमारा कोई एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है मान लीजिए यहाँ पर हमने करेंट को लेकर चल रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर इसकी वैल्यू ये है कुछ टाइम बाद आपकी पीरियड की जो करेंट की वैल्यू है वो चेंज हो रही है कुछ इस टाइप से आपको ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर इसकी वैल्यू डिफाइन है मान लीजिए फाइव एमपियर है कुछ टाइम बाद यहाँ पर टेन एम्पियर है इसके बाद फिफ्टीन एमपियर है मान लीजिए तो ये जो हमारा सिग्नल होता है डिस्क्रीट है या कंटीन्यूस नहीं है ये नॉन कंटीन्यूस है तो डिस्क्रीट सिग्नल भी हमारा कंटीन्यूस नहीं है डिजिटल सिग्नल की हम बात करें ये तो हमारा डिस्क्रीट हो गया डिजिटल सिग्नल एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही डिफ़ाइन होते हैं जैसे जीरो वन जीरो वन ये जीरो और वन में ही डिफाइन होंगे तो ये आपने मान लीजिए यहाँ एक सिग्नल लेके चले वन ये यहाँ पर जीरो तो कुछ ड्यूरेशन के लिए जीरो है फिर वन है फिर वन है फिर जीरो है फिर वन है, है फिर जीरो है तो इस टाइप के सिग्नल जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नल होते हैं ये भी कंटिन्यूस आपका नहीं होता है उसके बाद आता है एनालॉग सिग्नल एनालॉग सिग्नल जैसे आपने साइनोसोडल करेंट या वोल्टेज की वेवफॉर्म देखें तो ये आपको साइनोसोडल होगी पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिफाइंड है और किसी ना किसी टाइम पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है तो इसलिए इसे हम एनालॉग सिग्नल बोलेंगे या कंटिन्यूस सिग्नल बोलेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा इन द गिविंग सर्किट विच कंटेंस अ करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं यहां पर आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है एक आपको सर्किट दिया हुआ है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आपको दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है फाइव आई आपसे पूछा है कि वोल्टेज कितना होगा वोल्टेज ऑफ द डिपेंडेंट सोर्स विल बी ये जो वोल्टेज आपको दिया हुआ है जिसे हम बोल रहे हैं फाइव आई के इक्वल ये दिया हुआ है इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है तो इसको हम सबसे पहले ये आपको दोस्तों यहाँ पर सिक्स वोल्ट दिया हुआ है ये सिक्स ओम यहाँ पर रजिस्टेंस है दो आपको चीज़ यहाँ पर दी हुई हैं करंट इसमें से हम आई ले कर चल रहे हैं जब इसमें आप के लगाएंगे तो आपको वोल्टेज यहाँ पर हम प्लस और माइनस लेके चल रहे हैं ये आपको इंडिकेशन माइनस और प्लस दे के ही रखा हुआ है और यहाँ पर हम प्लस और माइनस यहाँ पर डायरेक्शन लेके चल रहे हैं अब हम यहाँ पर के इस डायरेक्शन में लगाते हैं सबसे पहले आपको वोल्टेज सोर्स दिखाई पड़ा इसके इस एंड पर हम वोल्टेज लेके चल रहे हैं तो ये हम हमने इसमें के लिखेंगे सिक्स माइनस फोर आई इस पॉइंट पर अब देखेंगे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज दिया हुआ है ये प्लस है और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी हुई है प्लस फाइव आई आई आपको ये दिया हुआ है इस पॉइंट पर अब देखेंगे तो माइनस का सिक्स आई इक्वल टू जीरो यहाँ से आप आई जब कैलकुलेट करेंगे तो आई आपका निकल कर आएगा फाइव आई माइनस फोर आई यानी वन आई माइनस आई तो सिक्स इक्वल टू आई आई की वैल्यू यहाँ पर आपको निकल कर आ गई सिक्स अब यहाँ से अब आप आपसे पूछा है सॉरी व्हाट इज़ द वोल्टेज ऑफ डिपेंडेंट सोर्स डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी हुई है यहाँ मैं शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ और ये जो आई है यहाँ पर सिक्स बाई फाइव होगी यहाँ आप इसको देख सकते हैं माइनस फोर माइनस सिक्स या ये हो जाएगा माइनस टेन आई प्लस फाइव आई और सिक्स आई इक्वल टू जीरो अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपका बचा हुआ है फाइव आई इक्वल टू सिक्स तो i इक्वल टू सिक्स बाई फाइव आ रहा था तो, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था यहाँ पे i की वैल्यू जो होगी वो सिक्स बाई फाइव होगी सिक्स बाई फाइव होने के बाद अब आपसे पूछा इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी तो वोल्टेज आपका दिया हुआ है फाइव आई फाइव इंटू आई आपने निकाल कर आए हैं सिक्स बाई फाइव तो आपका वो जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा सिक्स वोल्ट यहाँ पर सही आंसर होगा तो आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम बात करें कोई दोस्तों यदि कोई आपके पास पेपर है जिसको आप सॉल्यूशन के लिए हमारे पास भेजना चाहें तो आप मेरी मेल आईडी अभी नाइन फोर वन फाइव सेवन थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर पूछ सकते हैं और इस मेल आईडी पर आप पेपर भी सेंड कर सकते हैं कोई क्वेरीज हो कुछ गाइडेंस आपको चाहिए है तो इस मेल आईडी पर आप पूछ सकते हैं हमारा जो थर्टीन क्वेश्चन है उसकी यदि हम बात करें तो व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू ऑफ ओपन लूप वोल्टेज गेन फोर सेवन फोर वन ओप ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक अलग टाइप का एक टाइप्स है ये सेवन फोर वन जिसमें एट पिन रहती हैं और एट पिन में अलग अलग किसी से हम इन्वर्टिंग का है किसी में कोई पिन नॉन इन्वर्टिंग साइड की है किसी से हमने पॉजिटिव सप्लाई दी हुई है किसी से हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं तो ये कभी पिन भी इसके बारे में हमसे पूछ ली जाती हैं कि ये पिन क्या है इसमें और इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो सेवन फोर वन जो हमारा ओपम्प होता है इसमें ये जो फिन होती हैं, वो ऑफसेट के लिए होती हैं। यहां जो आपकी कोई कनेक्शन नहीं होता है यहाँ पर तो जो फंक्शनल फिन होती हैं, कई यार क्वेश्चन पूछे जाता है कि सेवन फोर वन में नंबर ऑफ फंक्शनल फिन कितनी होगी तो फंक्शनल फिन कितनी होगी तीन तो आपकी इस तरफ होगी और फोर यहाँ पर होगी तो सेवन आपकी फंक्शनल पिन होगी बाकी एक से हम कनेक्शन लेकर नहीं चलते हैं तो ये पॉजिटिव सप्लाई हो गया और यहाँ हम आउटपुट लेते हैं और यहाँ एक आपका इस तरीके से यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये आउटपुट हो गया और ये थर्ड पिन से हमने इनपुट ले लिया यहाँ पर इन्वर्टिंग इनपुट होता है और यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है और जो और फोर्थ फिन है वो हमारी नेगेटिव सप्लाई के लिए रहती है तो ये आठ फिन यहाँ पर होती हैं हमसे पूछा गया है टिपिकल ऑफ ओपन लूप वोल्टेज गेन इसका कितना होता है तो ये दोस्तों मोर देन ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और ये लो फ्रिक्वेंसी के लिए इतना गेन दोस्तों यहाँ पर होता है तो और भी इसके पॉइंट होते हैं कि इसकी स्लो रेट जो होती है वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड वो होती है 0.5 फाइव बोल्ट पर माइक्रोसेकेंड और इसका जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है वो दोस्तों 75 फाइव ओम होता है और इनपुट इम्पिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है वो होता है 2 मेगा ओम होता है तो इनपुट और आउटपुट ये इम्पिडेंस भी आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं इसलिए इनको भी प्रिपेयर करके रखें और नंबर ऑफ पिन का ये क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ़ फंक्शनल पिन कितनी होती हैं वो होती हैं सेवन और टोटल पिन जो इसमें होती हैं वो एट होती हैं और फंक्शनल पिन सेवन होती हैं तो ये थे कुछ ओपेम से रिलेटेड आपका सेवन फोर वन जो टाइप्स हैं ओपएम का उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सबस्टेशन टाइप बेस्ड ऑन एप्लीकेशन तो दोस्तों पेपर देते वक्त ये दिमाग में रखना जरूरी है कि ये आपसे क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी ये देख चुके हैं जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है तो कई बार दिमाग में आपके ये ना रहे कि करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसके बारे में पूछा है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर रखें क्योंकि जल्दीबाजी में जब बहुत सारे क्वेश्चन दो घंटे के पीरियड में देखेंगे तो हमसे ये गलती कई बार हो जाती है कि हम करेक्ट की जगह इनकरेक्ट देख लेते हैं या इनकरेक्ट की जगह करेक्ट देख के उसके ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं तो ये ना करें और एक और जो मेरा सजेशन रहेगा कि आप यदि एग्ज़ाम में वन थर्ड नेगेटिव है तो वहाँ पर आप क्वेश्चन को मार्क ना करें बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि तुक्के लगा देते हैं या वन थर्ड नेगेटिव है आपका उसके बावजूद भी आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तब भी टिक लगाए जा रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें और ये आपका एग्ज़ाम का स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा सकता है वन फोर्थ में आप थोड़ा सा रिस्क ले भी सकते हैं जब आप उस बाउंड्री तक हों जैसे कि आपका सिलेक्शन आपका हंड्रेड में से नाइन्टी या एटी आपका आपको मालूम है कि हम श्योर हैं यहाँ पर तब यहाँ पर आप थोड़ा सा रिस्क ना लें और वन थर्ड के लिए मैं बिल्कुल यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा वन फोर्थ में थोड़ा सा आप देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट इन सबस्टेशन टाइप बेस्ड ऑन एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन हमारे जो सब स्टेशन के दिए हुए हैं इसमें से कौन कौन से स्टेशन हैं और कौन सा स्टेशन नहीं है तो मोबाइल सब स्टेशन आपका दोस्तों यहाँ पर होता ही है स्टेप अप स्टेप डाउन सब स्टेशन होता है एस एफ सिक्स गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन इस टाइप का कोई टाइप से हमारा सब स्टेशन का नहीं होता है प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन भी होता है तो हमारा जो सी आंसर होगा यहाँ पर वो हो गलत होगा हाई वोल्टेज सब स्टेशन जो दोस्तों हमारे होते हैं हाई वोल्टेज सब स्टेशन ये ग्यारह के बी से सिक्सटी सिक्स के बी तक होते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन की हम बात करें तो ये वन थर्टी टू के वी टू 400 हंड्रेड के वी तक जाते हैं ये पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं हाई वोल्टेज सब स्टेशन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन और जब अल्ट्रा की हम बात करते हैं अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन तो ये 400 केवी से ऊपर भी जाते हैं बहुत सारी सब स्टेशन जो अभी डिज़ाइन हो रही हैं वो 765 केवी पर डिज़ाइन हो रही हैं नॉर्मली अपने यहाँ जो पी जी सी है पावर ग्रिड है जो ट्रांसमिशन नेटवर्क यहाँ पर देखता है वो 765 पर भी सब स्टेशन आपके डिज़ाइन बहुत सारे कर रहा है फोर हंड्रेड हम लोग जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है आपका के में जो वोल्टेज होता है वो हम बढ़ाते जाते हैं तो अभी बहुत सारी जगह एम में एक जगह है बीना जहां पर सेवन सिक्सटी फाइव के भी, भी सब स्टेशन अभी वहाँ पर डिजाइन किया जाए इज़ फिफ्टी हर्ज कैलकुलेट द स्पीड एट विज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर इज रोटेटिंग इसमें तो सिंपल इस तो है अप्लाई करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी आपको गिवेन है फिफ्टी पोल आपको यहां पर दिए हुए हैं एट पोल इसको सॉल्व करेंगे 750 RPM आपकी स्पीड हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूटिलाइज अ वैन माउंटेड ऑन स्पिंडल ऑफ मूविंग सिस्टम द वैन इज ऑफ थिन एल्यूमिनियम सीट एंड मूव्स इन क्लोज सेक्टर सेव्ड बॉक्स यहां पर ये आपने एक एक स्पिंडल लगा हुआ है जिससे आपकी नेडल लगी हुई है ये आपका मान लीजिए इंडिकेशन है यहाँ पर कुछ आपकी वोल्टेज है या करंट है यहां से जिस आ, इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं एक तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये नॉर्मली क्वेश्चन आते रहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है दोस्तों इसमें हमने जो नेडल में क्या ऐसा फोर्स लगा जिसकी वजह से ये मूव होती है और ये आपके पैरामीटर या जो क्वांटिटीज होती है उसको मेजर कर पाती है पर हमारा ये इसका वाइब्रेशन इसमें ना हो इसलिए यहाँ पर एक स्प्रिंग सपोर्ट रहता है या बहुत सारी जगह हम और भी बेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि ये बैलेंस रहे ये ऑसिलेट ना हो इसलिए हम इसको एक स्प्रिंग या वेट के थ्रू इसको स्टेबलाइज़ करते हैं जैसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको मूव कराने के लिए होता है तो जैसे ही हमारा डैम्पिंग हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारा इक्विपमेंट में अलग अलग टाइप की हम डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में तो एक तो अपना एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हो गया जो हम यहाँ पर सेक्टर शिफ्ट से में आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही ये आपका यहाँ मूव होगा इनवर्ट और ये आपकी यहाँ से फोर्स लगेगा आपके एयर के थ्रू तो ये उसी हिसाब से इसमें मूव होगा तो आपका जो स्टेबलाइज होगा आपका पॉइंटर वो उसी हिसाब से यहाँ पर मूव करेगा और ये इसको रोकने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इजीली रुक पाए और करंट डैम्पिंग जो हमारी होती है इसमें एक मैग्नेट uh, रहती है और एक एल्यूमिनियम की चक्ति जिसे हम बोल सकते हैं ये इसके अंदर मूव होती है और ये मूव हमारी मैग्नेटिक लाइंस को कट करती है यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस को कट करने के कारण इसमें एक इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है और जिसकी वजह से ये इसको रोकने में मदद करता है मान लीजिए स्पेंडल आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है मैग्नेटिक लाइंस को कट किया ई एम एफ इंड्यूस हुआ इसमें करंट फ्लो होता है और वो जो करंट के कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा वो जस्ट अपोजिट होगा तो ये इसके मूवमेंट को रोकता है तो इस तरीके का जो ऑसिलेशन जो डैम्पिंग होगी वो इसे हम एडी करंट डैम्पिंग बोलते हैं फ्लिड फ्रिक्शन डैम्पिंग जिसमें कि हमारा फ्लड भरा होता है या लिक्विड होता है और इस लिक्विड के अंदर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक चक्ति रहती है जो रोटेट होती है इसमें और इसके रोटेट होने पर इसमें फ्रिक्शन लगता है जिसके कारण वो पॉइंट रुक पाता है एक जगह पे तो इस टाइप की जो डैम्पिंग होती है वो होती है हमारी फ्लिड फ्रिक्शन डैम्पिंग अब हम इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग इस्तेमाल होती है तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो है पी एम 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 सी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें हम एडी घरेंट डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं दूसरा जो है गैल्बनोमीटर, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इस्तेमाल होती है हॉट वायर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं थर्मल इफेक्ट पर होते हैं ये वेस्ट होते हैं हमने अभी कुछ क्वेश्चन के पहले ही इसको देखा है हॉट वायर या मूविंग एन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग पर बेस्ड होते हैं तो ये फ्रिक्शन के डैम्पिंग के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं और नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं यही आते हैं कि किस इक्विपमेंट में कौन सी डैम्पिंग इस्तेमाल होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग इस्तेमाल होती है तो ये कुछ डैम्पिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए पीएमएमसी एडी करंट गैल्पोनोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हॉट वायर मूविंग आयरन में एयर फ्रिक्शन और इलेक्ट्रोस्टेटिक में फ्लिट फ्रिक्शन डैम्पिंग यहाँ पर इस्तेमाल होती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएँ uh, आपको एक स्टेटर दिया हुआ है थ्री फेस इंडक्शन मोटर का जिसका फोर स्लॉट पर पोल पर फेस आपको दिया हुआ है इफ़ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज फिफ्टी हर्ज कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेटर पोल प्रोड्यूस एंड द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट ऑन द स्टेटर रिस्पेक्टिवली आपसे केवल एक ही क्वान्टिटीज इस क्वेश्चन में दी हुई है कि एक तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो फिफ्टी हर्ज है दूसरी जो क्वान्टिटीज आपको क्वान्टिटी इसमें गिविन है वो है स्लॉट पर पोल पर फेज इज़ गिविन फोर यानी हम इसको सॉल्व करें स्लॉट पर पोल हम निकालने की कोशिश करें तो थ्री फेस है हमारा और हमारा स्लॉट पर पोल पर फेस आपको दिया हुआ था फोर तो स्लॉट पर पोल इक्वल टू हो जाएगा फोर इंटू नंबर ऑफ फेस फोर इंटू नंबर ऑफ फेस कितना दिया हुआ है आपको दिया है थ्री तो आपका ट्वेल्व यहाँ पर हो गया स्लॉट पर पोल स्लॉट पर पोल आपका निकल कर आ गया ट्वेल्व अब इन ऑप्शन से आप इसमें क्या रखें कि आपका सिक्स पोल जैसे आपने रखा तो आपका स्लॉट जो होना चाहिए वो 96 होना चाहिए अब आप आपने पोल यहाँ पर रखे आपने सिक्स सिक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा ये 96 नहीं होगा ये होगा 72। तो स्लॉट आपके कितने होंगे 72। तो ये ऑप्शन तो इसमें गलत है आपसे पूछा है कि यदि आपके पोल है आप सिक्स रख रहे हैं तो यहाँ पर स्लॉट कितना होगा सेवेंटी टू तो ये आपका ऑप्शन गलत है यदि आप सिक्स पोल रख रहे हैं तो यहाँ पर बता रहा है कि फिफ्टी फोर स्लॉट होंगे लेकिन ऐसा नहीं है हमारा आंसर जो आया सेवेंटी टू आया तो ये भी ऑप्शन गलत है यदि हम आठ पोल लेकर चलें चूँकि इसमें पोल आपको गिमिन नहीं था इसलिए हमें ये क्वेश्चन वेरीफाई करना पड़ रहा है अब स्लॉट पर पोल आपको दिया हुआ है ट्वेल्व तो नंबर ऑफ स्लॉट हम निकालेंगे तो यहाँ पर आपको ट्वेल्व इंटू यदि हम एट पोल लेकर चलते हैं तो ट्वेल्व इंटू एट यानी ये हमारा नाइन्टी सिक्स स्लॉट यहाँ पर ये वेरीफाई कर रहा है तो यदि हम आठ पोल लेके चलते हैं तो स्लॉट पर पोल स्लॉट पर पोल आपको दिया था ट्वेल्व इस ऑप्शन में यदि हम इस ऑप्शन को पुट करें एट पोल और 96, सिक्स एट पोल रखने पर हमारा स्लॉट जो आ रहा है 96 है तो ये आंसर आपका सही होगा कुछ ऑप्शन से ही भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे नॉर्मली आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए एटीन क्वेश्चन पर हम जाएं। ए फोर पोल लॉन्ग सन्ट ले बाउंड जनरेटर सप्लाई 20 किलोवाट एट ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 400 हंड्रेड बोल्ट तो थोड़ा सा दोस्तों आपको स्पीड भी पिकअप करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आप देख रहे हैं कि दिनों दिन आपके एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं और क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग टाइप से आ रहे हैं जैसे अभी यू पी पी सी एल में पी एल सी स्काडा पर भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन थे और भी आपके जो पैटर्न है वो अब नॉर्मली आपका जे बी गुप्ता से काम नहीं होगा कि आपने जे बी गुप्ता या आर के राजपूत या इन सब बुक को पढ़ने के बावजूद आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर करने होंगे तभी आपका एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर होगा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे 10-15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके लगातार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में जो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए और उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं जो आपके न्यूमेरिकली वेस्ट होंगे तो इसके लिए आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहे वो किसी भी स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम के हों वो आप सॉल्व कीजिए और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आप जैसे किसी क्वेश्चन में को आप नहीं कर पाते हैं तो उस क्वेश्चन से आप उस कंसेप्ट में जाएंगे और उस कंसेप्ट से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आगामी जो पेपर हैं उसके लिए क्लियर आप कर लेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आप एक क्वेश्चन तो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं लेकिन उसके साथ लिंक होके उसके ऑप्शन को भी आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप उसमें कवर कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर बना रहे हैं तो प्रीवियस रोज कुछ ना कुछ 100 या 200 क्वेश्चन ऐसा आदत आप डालें जिससे कि रोज आप ये नए नए कंसेप्ट अपने बिल्ड कर पाए लॉन्ग सन्ट के लिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है लॉन्ग सन्ट जनरेटर और शॉर्ट सेंट जनरेटर ये आपके दो टाइप के यहाँ पर जनरेटर होते हैं लॉन्ग सेंट और शॉर्ट सेंट यदि आपको इसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ लॉन्ग सेंट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है तो लॉन्ग सेंट के लिए ये आप एक जनरेटर है जिसका वोल्टेज ई दिया हुआ है यहाँ रजिस्टेंस जो है वो आर सीरीज दिया हुआ है और इसमें जो सन्ट रजिस्टेंस है वो सन्ट रजिस्टेंस आपको दिया हुआ है आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमने ब्रश का ड्रॉप यहाँ पर दो बोल्ट यहाँ पर वन बोल्ट पर ईच लेके हम चल रहे हैं बन बोल्ट पर ईच आप यहाँ पर ड्रॉप लेके चल रहे हैं सीरीज रेजिस्टेंस गिवेन है एंड इसकी जो सन्ट फील्ड रेजिस्टेंस है वो भी आपको वैल्यू यहाँ पर दी हुई है सन्ट फील्ड रेजिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है वो है हंड्रेड ओम सीरीज के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है जीरो पॉइंट जीरो फोर ओम ई और यहाँ पर वोल्टेज आपको बन वोल्ट बन वोल्ट हर एक ब्रश के लिए दिया हुआ है और एक और जो आपको क्वांटिटीज यहाँ पर गिवन है वो है इसका जो लोड है वो 20 किलोवाट वाट यहाँ पर आ, पावर सप्लाई कर रहा है ये और टर्मिनल वोल्टेज जो दिया हुआ है यहाँ पर 400 हंड्रेड वोल्ट दिया है इतनी सारी क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं सीरीज रेजिस्टेंस दिया है सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस भी दिया है और अब आप, आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ई के लिए यहाँ पर इक्वेशन लिखनी होगी ई के लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे तो ई जी इक्वल टू होगा आपका माइनस ई जी यहाँ प्लस माइनस लेके चलें तो यहाँ आप जब के वी एल इस लूप में लिखेंगे तो आप uh, देखेंगे कि ई जी इक्वल टू निकल कर आएगा वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस आर एस एफ प्लस टू वी बी ये यहाँ पर टू वी बी आपके दोनों वोल्टेज का ब्रश ड्रॉप है वोल्टेज ड्रॉप है आइए आर्मेचर करंट है आर ए यहाँ पर आपका एक और रेजिस्टेंस है आर्मेचर रेजिस्टेंस और आर एस एफ यानी सीरीज़ का जो रेजिस्टेंस है वो आर एस एफ दिया हुआ है और सन्ट का आर एस एच आपको दिया हुआ है तो यहाँ आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन नहीं है सबसे पहले तो आपको आई एल यहाँ पर आप नाइन की निकाल लीजिए आई एल आपका कितना है तो आई एल इसको हम कैसे निकाल सकते हैं आपको ट्वेंटी किलोवाट लोवाट यहाँ पर आउटपुट पावर दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे पावर सबसे पहले आप पावर लिखिए वी टी इंटू आई एल टर्मिनल वोल्टेज इंटू लाइन करंट इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है ट्वेंटी किलो वाट वी आपको दिया हुआ है फोर हंड्रेड इंटू आई एल आई एल आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो फिफ्टी एम आपका आई एल यहाँ पर निकल कर आ गया आई एल आ गया अब इसके साथ आपको यहाँ पर निकालना है आर्मेचर करंट हमें आर्मेचर करंट की आवश्यकता है तो आर्मेचर करंट जब निकालेंगे तो यहाँ पर सेंट फील्ड में आपका कितना करंट चला गया और ये बचा हुआ जो करंट होगा वो आई ए होगा आपका आई ए आई एफ और आई एल ये आपको तीन करंट यहाँ से ए, इसकी जानकारी चाहिए है आई एल आपको निकाल लिया है आपने वी टी आपको मालूम है अब आपको आई ए केवल यहाँ पर कैलकुलेट करना है सन्ट करंट आप निकालेंगे तो सन्ट करंट कितना होगा वी वन या वी टी टर्नल डिवाइडेड बाय आर एस एच तो ये आपको यहाँ से आई एफ या जो फील्ड करंट या सन्ट करंट है वो आपको निकल कर आ जाएगी टर्मिनल वोल्टेज 400 है और इसका जो रेजिस्टेंस था वो कितना है 100 चार एम्पियर आपकी यहाँ पर ये आपकी आई एफ करंट यहाँ पर निकल कर आ गई तो आई एल आई ए आए आपका क्या है यहाँ पर आई ए इक्वल टू आई एफ प्लस आई एल आई ए आप कैलकुलेट करेंगे तो आइए निकल आया अब आपसे केवल आपको इक्वेशन में ये वैल्यू सभी पुट अप करनी है वी टी आपको निकाल पता है 400 प्लस आई आपको निकाल कर आ गया आपका 54 फोर आर ए आपको गिवन है पॉइंट जीरो टू आर एफ सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस वो भी पता है पॉइंट ज़ीरो फोर इंटू सॉरी प्लस टू इंटू पर ब्रश का जो ड्रॉप है वो कितना है वन है इसको जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका निकाल कर आएगा फोर जीरो फाइव इंटू टू फोर बोल्ट तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हो गया और एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्लो कैलकुलेशन इसलिए किया कि आपको यहाँ पर समझ आए तो यहाँ सीरीज लॉन्ग सन्ट और शॉर्ट सन्ट इसके यदि आपको ये डायग्राम ही याद नहीं हो कि शॉर्ट सन्ट में आपकी ये जो सीरीज वाली क्वाल है किस तरीके से कनेक्ट होगी और शॉर्ट सन्ट में किस तरीके से कनेक्ट होगी ये तो आपका हो गया लॉन्ग सन्ट शॉर्ट सन्ट में जब आप देखेंगे तो आपका सिंपल यहाँ डायग्राम रहेगा इसमें आप देखेंगे कि सीरीज का जो रेजिस्टेंस होगा उसके बाद आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा ये आपकी जो आर्मेचर हो गया और यहाँ से एक पॉइंट आपको लिया जाएगा यहां और यहाँ यह पर फील्ड रेजिस्टेंस होगा और यहाँ ये आपका वी होगा वी और ये आपका आई होगा यहाँ आप थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे होंगे कि आपका जो सीरीज आर एस एफ जो था वो आपका यहाँ बाहर की तरफ हो गया और हमारा लॉन्ग सन्ट में आप देख रहे होंगे इन अंदर की तरफ है तो इससे करंट में चेंजेस होते हैं यहाँ हो आई एल होगा आई एस एफ में से और यहाँ जो यहाँ तो सीरीज में तो आपका जो सन्ट में जो करंट है वो आई एफ होगा यहाँ पे तो ये थोड़ा सा चेंज होता है जब हम लॉन्ग सन्ट से शॉर्ट सन्ट में जाते हैं वट इट इज द वैल्यू ऑफ द क्रीस्ट फैक्टर फॉर साइनियोशोडल एज ओनली क्रीस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर पीक फैक्टर हम कैसे बोलते हैं तो पीक फैक्टर इक्वल टू होता है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय आर एम एस वैल्यू ये इसका रेशियो रहता है और साइनियोशॉडल के लिए जो वैल्यू निकल कर आती है वो होती है वन पॉइंट फोर वन फोर पीक फैक्टर और इसी से रिलेटेड एक और होता है फॉर्म फैक्टर ये कई बार ये रिपीटेड होते हैं या तो इनकी रेशियो पूछ ली पूछ लिया जाता है कि फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो होता है फॉर्म फैक्टर की इसमें वैल्यू क्या होगी साइन के लिए ट्राइंगुलर के लिए सॉटूथ के लिए स्क्वायर बेब के लिए और इसे इस पर बेस्ड मैंने एक वीडियो केवल बेबॉम पर ही बनाया है जिसमें केवल सभी के क्रिश फैक्टर और पीक फैक्टर और ये आपका फॉर्म फैक्टर और सभी का रिलेशन की ऐसी कौन सी बेबफ है जिसकी आर वैल्यू कम होती है ऐसी कौन सी व्बार्म है जिसमें फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर सभी बराबर होंगे और आर एम एस एवरेज वैल्यू जिसकी बराबर होंगे ऐसी कौन सी भी फॉर्म है इस टाइप के सभी क्वेश्चन उसमें मैंने कवर किए हैं तो आप मेरी इसमें प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं बेबॉर्म से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन है उसमें सभी फॉर्म फैक्टर की हम इसमें केवल डेफिनेशन देख लेते हैं आर एम एस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ये हमारा होता है फॉर्म फैक्टर तो इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली जो हमारा साइनोसोडल के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है साइनोसोडल के लिए फॉर्म फैक्टर जो होता है वो वन पॉइंट वन वन होता है ट्राइंगुलर के लिए वन पॉइंट वन फाइव फोर होता है और स्क्वायर बेब के लिए हमारा पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर दोनों बराबर होते हैं कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी कौन सी बेब फॉर्म है जिसका पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर बराबर होते हैं तो वो होता है आपका स्क्वायर सेब शॉर्ट टूथ में भी आपका पीक जो फॉम फैक्टर होता है वो 1.54 ही होता है और आर एम एस वैल्यू जो हमारी साइन वेव की होती है वो होती है पॉइंट सेवन जीरो सेवन भी एम होती है एवरेज वैल्यू इसकी हम बात करें तो यहाँ पर फुल वेव में और हाफ वेव में जब हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं पॉइंट सिक्स थ्री सेवन वी एम होती है फुल वेब में और हाफ वेब में इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉइंट थ्री वन एट वी एम होती है तो जब भी ये क्वेश्चन आप उस बेबॉम उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे आपको कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे तो आज के लिए इतना ही और आप यदि कुछ पेपर आपके पास है जिसको आप सोल्यूशन के लिए चाहते हैं तो आप मेरी मेल आई डी अभी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर भेज सकते हैं आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं इस टाइप के सेशन और भी सेशन आप यदि चाहते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम यू पी पी लेक्चर और भी बहुत सारे स्टेट लेवल के गेट को या इससे रिलेटेड बहुत सारे पेपर में प्रीवियस यहाँ पर अपलोड भी कर चुका हूँ तो उनको सभी को देख सकते हैं चैनल आज का ही वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू